दोस्तों अब हम समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रीडिंग ऑफ स्केल। इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि जब हम किसी स्केल से कोई सर्टेन रीडिंग्स लेते हैं तो वो रीडिंग किस तरीके से वेरी कर जाती है अगर हम स्केल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं एक स्केल को कंसिडरेशन में ले लेता हूँ। ये मैंने स्केल शो कर दिया। हम ध्यान से देखें तो कोई सी भी दो डिविजन्स अगर हम ले लें, अगर मैं मानता हूँ ये सेंटीमीटर स्केल है तो जो 0 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 1 यूनिट होगी, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 1 यूनिट होगी अगेन। तो अगर हम कोई से भी एडजेसेंट डिविजन्स ले लें स्केल की, उनके बीच की दूरी 1 यूनिट ही रहेगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस स्केल से एल यूनिट्स मेजर करता हूँ किसी T1 टेम्परेचर पे, और अब अगर हम सेम एल यूनिट्स मेजर करें लेकिन हमारा स्केल अगर T2 टेम्परेचर पर रखा गया, तब हमारी रीडिंग किस तरीके से वेरी कर जाएगी। मैं मानता हूँ मेरी इनिशियल रीडिंग जब मेरा स्केल T1 टेम्परेचर पर था तो रीडिंग मेरी R1 थी, तो इस केस में हमारी रीडिंग R2 होगी और ये रीडिंग हमें फाइंड करनी है। अब इसका एनालिसिस को मैं स्टार्ट करता हूँ। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ाया गया या घटाया गया अकॉर्डिंगली, तब स्केल की लेंथ वेरी कर जाएगी, ये बात तो तय। लेकिन जो स्केल पे हमने रीडिंग्स मार्क करके रखें, जो 0 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये तो किसी इंक से मार्क करके रखें। टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, इंक थोड़ा मिट रही है। जब इंक मिट नहीं रही तो क्या होगा, तो एडजेसेंट यूनिट्स के बीच की जो सेपरेशन है, जो 1 यूनिट थी, अब 1 यूनिट एक्चुअली 1 यूनिट से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 यूनिट किस तरीके से ज़्यादा हो जाएगी, पहले मैं उसको फाइंड करता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे स्केल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना से बढ़ाया, डेल्टा टी से, और वो कितना था, T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम क्या रिलेशन यूज करते हैं, एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमारा यहाँ पे एल फाइनल हमें निकालना है, और एल इनिशियल कितना था मेरा, 1 यूनिट। तो एल इनिशियल को मैंने लिखा 1 और ब्रैकेट में मेरे पास रह गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये मेरा है एल फाइनल। तो एल फाइनल किसके बराबर आ जाता है मेरा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तो हमने लिख दिया एल फाइनल इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन ये है क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब किसी भी स्केल का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, मैं मानता हूं कोई जनरल रीडिंग आर है, रीडिंग क्या है कि हम कोई एल लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो रीडिंग क्या होती है, लेंथ टू बी मेजर, जो कि यहां पे एल होगी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डिवीजन, और यहां पे लेंथ ऑफ वन डिवीजन हमारी यूनिटी होती है जो वन, तो इसलिए हम रीडिंग क्या बोल देते हैं, जो हमने लेंथ मेजर की। लेकिन अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब हम रीडिंग को किस तरीके से लिखते हैं, रीडिंग इक्वल्स टू लेंथ टू बी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो ये रीडिंग होगी जो मेरी एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगी, और वो रीडिंग हम ध्यान से देख रहे हैं हमारी R2 है, तो R2 किसके बराबर हो जाती है मेरे, लेंथ टू बी मेजर्ड, लेंथ अगेन हमने एल ही मेजर कर रहे हैं, लेंथ तो मेरी R रहेगी, लेकिन अब मेरी लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर कितना है, ये एल फाइनल, तो एल फाइनल को मैं सब्सिट्यूट कर लेता हूँ, तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। तो यही रीडिंग है मेरी, जो इनिशियल रीडिंग मेरी R1 थी जो किसके बराबर थी, L के, अब मेरी फाइनल रीडिंग R2 है, और R2 मेरे किसके बराबर है, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। तो दोस्तों हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम टेम्परेचर वेरी करवा देते हैं तो हमारी रीडिंग्स जो हम स्केल से मेजर करते हैं वो भी वेरी हो जाती हैं। रीडिंग का जर्नलाइज एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई सी भी रीडिंग जब हम किसी भी स्केल से मेजर करते हैं तो वो होती है लेंथ टू बी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ दैट स्केल। अब यहाँ पे हमें रीडिंग फाइंड करनी थी एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो एलिवेटेड टेम्परेचर के लिए हमने क्या रिजल्ट यूज किया, लेंथ टू बी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, क्योंकि स्केल में जो वन डिवीजन की दूरी है वो अब चेंज हो जाएगी टेम्परेचर चेंज की वजह से, इसलिए रीडिंग जो होगी वो होगी लेंथ टू बी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। हमने लेंथ ऑफ वन डिवीजन फाइंड कर ली,
लीनियर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो होता है एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हमारा एल इनिशियल एक्चुअली वन था क्योंकि हम एक वन यूनिट की बात कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली हमने फाइंड कर लिया एल फाइनल इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये था मेरा लेंथ ऑफ वन डिवीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंगली हमने इस रिलेशन से वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और हमने फाइंड किया कि जो हमारा रीडिंग थी एलिवेटेड टेम्परेचर पर जिसको हमने आर टू से डिफाइन किया वो किसके बराबर आई, एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और एल ही मेरा क्या था आर वन रीडिंग एट लोअर टेम्परेचर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है।